देखिए लोगों की यही बात है, विकास की तो बात करेंगे नहीं। जिस मुकद्दस सरजमीन पे खड़े हैं, यहाँ से सिर्फ प्यारी और मीठी बात होनी चाहिए, गंदे लोगों की गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। गिरिराज सिंह ने एक बयान दिया है जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार में मस्जिदों और मदरसों की जाँच होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, जिसको लेकर राजद के मंत्री इसराइल मंसूरी और राजद MLC क्या कुछ कहा है, पहले आप वो सुनिए। कांटी के सम्मानित जनता द्वारा जो स्नेह आशीर्वाद प्यार दिया गया था, उन लोगों के द्वारा सदन मुझे भेजने का काम किया गया, और इसमें मुजफ्फरपुर वासियों के अथाह प्रेम हमको मिलने का, पूरे मुजफ्फरपुर जिला वासी और आज बिहार सरकार के मंत्री के रूप में लोगों का आशीर्वाद प्यार ने बनाया है। तो आज मुजफ्फरपुर की सरजमी के एक आले दर्जे के वली हजरत दाता कमल सर हमतुल अलह चिश्ती रहमतुल अलह के मज़ार पर चादर पोशी करने का काम किया है, दुआ करने का काम किया है, देश की खुशहाली और तरक्की और अमन के लिए दुआ करने का काम किया है। अब देखिए लोगों की यही बात है, विकास की तो बात करेंगे नहीं, कैसे अच्छी रोजगार नौजवानों को मिले, बेरोजगारों को कैसे अच्छा शिक्षा मिले, कैसे गरीब मजलूम को स्वास्थ्य अच्छा मिले, इन सब पर इन लोगों की बात नहीं, इन लोगों की यही सब बात है, इस पर हम कुछ कहना नहीं चाहेंगे। नहीं, आज इस मुकद्दस सरजमीन पे यहाँ हजरत दाता कम्बल शाह मतुल्ला अलैह के इस यहाँ सब लोग आए हैं, बिहार सरकार के माननीय मंत्री भी आए हैं, पार्टी के तमाम लोग यहाँ आए हैं और आज चादर पोशी की है और बिहार और मुल्क के लिए दुआएं की हैं कि यहाँ अमन शांति का माहौल रहे और एक दूसरे से लोग मिलजुल के रहें, तमाम धर्म के लोग आपस में जो प्यार मोहब्बत से रहते हैं रहें, बड़ी बड़ी बीमारियाँ आई, कोरोना आया वगैरह वगैरह, उन सब से निजात के लिए भी दुआएं हुई। और फिर बिहार में जो सूखा है, उन सूखा ग्रस्त इलाक़ों में बारिश हो, इसके लिए भी दुआएँ हुई, और देखिए आज बारिश भी हुई, अल्लाह की रहमत बरस रही है, तो बारिश के लिए भी दुआएं हुई हैं, बेरोज़गार नौजवानों को रोज़गार मिले इसके लिए भी दुआएं हुई हैं, और बिहार के तमाम लोग आपस में मिलजुल करके बिहार की तरक्की के लिए काम करें, बिहार खूब आगे बढ़े, इसके लिए भी दुआएं हुई हैं, मुजफ्फरपुर की तरक्की हो, मुजफ्फरपुर में जो अमन शांति, मुजफ्फरपुर एक ऐसा शहर है, ये बाबा गरीब नाथ का शहर है, ये दाता कम्बल शाह का शहर है, ये मुजफ्फर शाह रहमतुल्लाह अलैह का शहर है, यहाँ जो मोहब्बत और गंगा जमनी तहजीब का जो एक गहवारा है वो पूरे बिहार और पूरे मुल्क में इसी तरह का गहवारा कायम हो। बीजेपी के एक मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, उनका कहना है कि बिहार के मस्जिदों और मदरसों की जांच होनी चाहिए क्योंकि देश विरोधी। जिस मुकद्दस सरजमीन पे खड़े हैं, यहाँ से सिर्फ प्यारी और मीठी बात होनी चाहिए, गंदे लोगों की गंदी बातें नहीं होनी चाहिए। तो आपने सुना कि उन्होंने क्या कुछ कहा है, दोनों ने साफ साफ पलटवार करते हुए साफ साफ कह दिया ऐसे गंदे लोगों की बात नहीं होनी चाहिए, इन लोगों का यही काम है और कोई दूसरा काम नहीं है, हिंदू मुस्लिम ही करते रहते हैं, यही काम अब इनको बच गया है, रोज़गार पर, बेरोज़गारी पर और अन्य मुद्दों पर ये लोग नहीं बोलेंगे, सिर्फ यही सब करते रहते हैं। तो आपने सुना कि बिहार सरकार के मंत्री इसराइल मंसूरी और राजद MLC काली शोएब ने क्या कुछ कहा है, तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर दीजिए।